योगी सरकार में दिल्ली के एक पत्रकार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से किडनैप कर लिया गया। यह खबर वायरल हुई तो पता चला कि किडनैप करने वाले पंजाब पुलिस से थे, और जिस पत्रकार को पंजाब पुलिस ने उठाया उसका नाम रचित कौशिक है। रचित कौशिक पेशे से पत्रकार हैं और सब लोकतंत्र नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये घटना 6 फरवरी रात की है। आपको बताते चलें कि आखिर क्या है पूरा माजरा और रचित कौशिक ने ऐसा क्या कर दिया था जो पंजाब पुलिस को ये करने की जरूरत पड़ी। रचित कौशिक दिल्ली के शाहदरा में रहते हैं और यहीं से वो सब लोकतंत्र नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। रचित कौशिक को एक ईसाई महिला की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन रचित कौशिक की गिरफ्तारी की जो असल वजह बताई जा रही है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके बेटे का एक कथित वीडियो। इस वीडियो में रचित अरविंद केजरीवाल के बेटे पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं, जिसे एक दूसरे ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ये ट्वीट देखकर एक ईसाई महिला की भावना आहत हुई और उसने पुलिस से शिकायत कर दी। इसी शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग वाले अंदाज में रचित कौशिक को यूपी से उठा लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईसाई महिला की शिकायत में कहीं भी रचित कौशिक या सब लोकतंत्र चैनल का जिक्र नहीं है, ना ही इसमें केजरीवाल के उस वीडियो का जिक्र है जिसे सोशल मीडिया में उनकी गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है। ये FIR नो कन्वर्जन नामक ट्विटर हैंडल पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाती है। इसी ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया था। ईसाई महिला ने लुधियाना में इसी साल जनवरी में ये मामला दर्ज कराया था। रचित कौशिक के इंस्टाग्राम से की गई पोस्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने आप नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर वीडियो बनाया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि ऐसा उनके साथ बदला लेने के लिए किया गया है। अब रचित के परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में दखल देने की अपील की है। कौशिक की गिरफ्तारी से पहले उनके परिवार को कुछ नहीं बताया गया था। जब परिवार वालों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को रचित के किडनैपिंग की सूचना दी तो पता चला कि उनकी गिरफ्तारी के विषय में थाने को बताया गया था। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को वो FIR भी भेजी जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन रचित के परिवार को FIR के विषय में नहीं बताया गया। जिस सोशल मीडिया अकाउंट को कन्वर्जन के विरुद्ध खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, 153A, 153, 504 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है, उसने रचित कौशिक का एक वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो में रचित ने केजरीवाल के बेटे के भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा किया। इस वीडियो में उन्होंने केजरीवाल के बेटे पुलकित पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री बंगले में जिम का सामान किराए पर बाजार भाव से कहीं ज्यादा कीमत पर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां लगी 4 ट्रेडमिल को उन्होंने किराए पर दिया और इसे 10 लाख माह वसूले। अब सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है इसी वीडियो के आधार पर रचित कौशिक को गिरफ्तार किया गया है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो जाहिर है सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी के पीछे अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने केजरीवाल के इशारे पर रचित कौशिक को इस तरीके से गिरफ्तार किया है। अब इस पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं इसका भी इंतजार है। आपकी इस गिरफ्तारी पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।